नींबू की चटनी, जिसके विषय में बचपन में हमसे कहा जाता था कि मई जून के महीने में आम की चटनी खा करके बाहर निकलो तो लू नहीं लगे, और उतना ही चटकारेदार मेरी माँ जो है आम का टोखा बनाती है। आज भी हमारे घर में आम का टोखा बना है। माँ जो आम का टोखा बनाती थी उसमें मेथी का बंगार भी डालती, उससे उसका स्वाद और दुगुणित हो जाता था। उस समय मई जून के महीने में पहाड़ों में सब्जियां कम होती थी, कुछ बेतवा चौलाए आदि होती थी और प्याज आलू रहता था। तो उस समय आम व्यक्ति के लिए यह आम का टोका, जिसमें आम को उबाल करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके बनाया जाता है, तो एक बार बनाया हुआ आम टोका करीब 7-8 दिन चल जाता है। तो मैं भी अपने घर के लोगों से कह रहा हूँ कि इसको बचाए रखना, रोज जरा जरा इसका स्वाद लेंगे। यह आम टोका है, आप भी याद रखिए। और इस आलू में जो काला काला है, ये जखिया है, जखिया कहा जाता है, और ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भंगीरे की चटनी पर। भंगीरा भी हमारे खेतों में पैदा होता है, ये स्वादिष्ट भी है चटनी इसकी, और स्वाद के साथ साथ जो है ये पेट में स्टेबलाइजर का काम करती है, पेट को नियंत्रण में रखती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले फायदा उठाऊं, मैं आपसे जरा सा जखी की बात करूं, जरा सा भंगीरे की बात करूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।